फाइनली आज हमारे पास आ चुका है विंस फैंटम 315 ट्रू वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स। पिछले 10 दिन तक इस ईयरबड्स को मैं यूज कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में इस ईयरबड्स का डिटेल रिव्यू दूंगा और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस ईयरबड्स को आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। मैंने खरीदा हूँ 899 रुपीस में, लेकिन बाद में जब आप लोग खरीदने जाओगे 1000 रुपीस के ऊपर इसका प्राइस हो जाएगा। सबसे पहले बॉक्स कॉन्टेंट देख लेते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारा ये ईयरबड्स मिलता है, उसके बाद एक पाउच मिलता है, इसके अंदर बहुत सारे पेपर है, कुछ यूजर मैनुअल गाइड है, वारंटी कार्ड है, उसके साथ साथ एक क्लैप का वेलकम किट है, उसके अलावा एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पे टाइप सी केबल दिया है चार्जिंग के लिए और बहुत सारे ईयर टिप्स मिलता है। आते हैं इस ईयरबड्स के तरफ। पॉलीकार्बोनेट का बिल्ट क्वालिटी है, मेरे पास ब्लैक कलर है। कुछ दिनों के बाद क्रैचेस वगैरह भर भर के आएगा, लेकिन हाथों का निशान टोटली नहीं आता है। इसका ढक्कन मेरे को काफी अच्छा लगा, एक हाथों से काफी आसानी से आप लोग ओपन कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट दिया है और सामने की तरफ देखोगे विंस का लोगो है, उसके ठीक नीचे लाइट इंडिकेटर दिया है। इस इंडिकेटर का काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर व्हाइट कलर का लाइट 4 बार ब्लिंक करके बंद हो जाता है, लो बैटरी है, जब आप लोग चार्ज में लगाओगे ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक करता रहेगा, फुल चार्ज जब हो जाएगा ब्लू लाइट स्टॉप रहेगा, मतलब ब्लू लाइट जलता ही रहेगा, ब्लिंक नहीं करेगा। ईयरबड्स के तरफ देखोगे बहुत छोटा ईयरबड्स है, जिन लोगों को छोटा ईयरबड्स का जरूरत है उन लोगों के लिए एक काफी अच्छा रहेगा। और इस फोन में बहुत सारे ईयर टिप्स दिया है, तो आपके हिसाब से कंफर्टेबली ईयर टिप्स को आप यहां पे लगा भी सकते हो। ये भी पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है, मेरे पास ब्लैक कलर है तो उसके वजह से हाथों का निशान उतना ज्यादा तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्रैचेस वगैरह कुछ दिन यूज करने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे बैक साइड में विंस का लोगो दिया है बड़ा बड़ा, मेरे को थोड़ा सा ऑट लगता है। यहाँ पे अगर लोगो ना देकर सिंपल रखता तो मेरे को अच्छा लगता। छोटा होने की वजह से कान में कंफर्टेबल फिट होता है, मैं बहुत बार गिराने का कोशिश भी किया हूँ, ये गिरता ही नहीं है, कान में अच्छी तरीके से फिट होता है। जब इसको कान में लगा लोगे ना, आउटडोर का जो नॉइस है वो उतना ज्यादा नहीं आएगा, बस इसके ईयर टिप्स के वजह से। पर्सनली ये जो ईयर टिप्स वाला ईयरफोन से ये मेरे को पसंद नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। तो जिन लोगों को पसंद आ रहा है इसका ईयर टिप्स, वो कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक करके भी मुझे मोटिवेट कर देना। देखिए जो कनेक्ट होता है, ढक्कन को आप ओपन करोगे, पहली बार ब्लूटूथ में रिफ्रेश करोगे आ जाएगा इसका नेम, वहां पे जाके आप लोग एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप लोग इस ईयरबड्स को ओपन करोगे और इसके केस से बाहर निकालोगे, 2-3 सेकंड लेट होता है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, आपको कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तुरंत ही कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ के अंदर जाके कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसका जो फीचर्स वगैरह है वो कस्टमाइज नहीं है, इसका कोई भी अलग सा ऐप नहीं आता है, ऑब्वियसली 1000 रुपीस के नीचे आता है, वो भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अब चलो इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। देखिए इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसका जो प्राइस है 900 रुपीस देकर मैं खरीदा हूँ और इस प्राइस में बेस्ट साउंड क्वालिटी है। जिन लोगों को ज्यादा बेस के साथ इसका साउंड चाहिए वो इस ईयरबड्स के पास एक बार जरूर देखना, इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, ज्यादा करके जो बेस है वो बढ़िया है। स्पेसिफिकेशन में देखोगे 13mm का ड्राइवर है, लेकिन आप स्पेसिफिकेशन में मत जाओ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, बेस तो बढ़िया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा साउंड सुना देता हूँ, माइक से सुनाऊंगा, पता नहीं कितना अच्छा आप सुन पाओगे, फिर भी थोड़ा सा साउंड आप लोग सुन लीजिए। बैटरी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। इस केस को अगर आप फुल चार्ज कर लोगे केस के साथ, ईयरबड्स 40 आवर्स तक चलेगा, लेकिन एक ईयरबड्स चलेगा लगभग 8 घंटे के आसपास कंटिन्यू आप लोग म्यूजिक अगर प्ले करके रखते हो। लेकिन मैं खुद यूज कर रहा था, पिछले 10 दिनों से अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहा था, मैंने नोटिस किया लगभग 10 घंटे के ऊपर चला जाता है इसका साउंड जब आप लोग कंटिन्यू गाना वगैरह सुनोगे, मैं प्ले करके छोड़ दिया था। लेकिन फुल वॉल्यूम देकर अगर आप लोग सुनोगे तब 6-7 घंटे के आसपास इसका जो बैटरी लाइफ है वो मिलता है फुल साउंड देकर। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग फुल साउंड देकर सुनेगा, मैं लगभग 40% के आसपास सुना था, 10 घंटे के आसपास दिया था इसका बैटरी लाइफ। IPX5 स्वीट एंड वाटर रेजिस्टेंस दिया है, तो अगर आप कान में लेकर जिम वगैरह करोगे, वर्कआउट वगैरह करोगे, पसीना वगैरह छूटेगा, ईयरबड्स डैमेज नहीं होगा, सही सलामत रहेगा। इसका जो रेंज है 15 मीटर यहाँ पे बोला गया है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने से इसका जो कनेक्ट है
ईयरबड्स डिसकनेक्ट हो जाता है, ये मैं खुद नोटिस किया हूँ। लगभग 16 फुट के आसपास जाओगे ये डिसकनेक्ट हो जाता है, ये मैं खुद नोटिस किया हूँ। अगर आप ये ईयरबड्स यूज कर रहे हो आपके फोन को पास में रखना पड़ेगा। चलो इस ईयरबड्स का कुछ फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे तो इसके यूजर मैनुअल पढ़ोगे सब कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा इसमें क्या क्या फीचर्स है, फिर भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को वॉल्यूम इंक्रीज करना हो राइट साइड का जो ईयरबड्स है उसके ऊपर इस तरीके से स्वाइप करना पड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा। वॉल्यूम अगर डाउन करना है लेफ्ट साइड में जो ईयरबड्स है उसके ऊपर इस तरीके से स्वाइप करोगे ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो डाउन होता रहेगा। कोई भी गाना को प्ले या पॉज करने के लिए दोनों ही ईयरबड्स में किसी में भी डबल टैप करना, ऑटोमेटिकली गाना पॉज हो जाएगा या डबल टैप करने से ऑटोमेटिकली गाना रिज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी गाना प्ले करने के लिए राइट साइड के ईयरबड्स को ट्रिपल टैप करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो गाना है वो नेक्स्ट हो जाएगा। प्रीवियस गाना में आने के लिए लेफ्ट साइड में जो ईयरबड्स है उसके ऊपर 3 बार टैप करना पड़ेगा, प्रीवियस गाने में आप आ जाओगे। लेफ्ट साइड के ईयरबड्स को अगर आप 2 सेकंड तक टैप करके होल्ड करके रखोगे गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। राइट साइड के ईयरबड्स को अगर आप 2 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे यहाँ पे गेमिंग मोड इनेबल हो जाएगा। कोई भी कॉल को रिसीव करने के लिए या आंसर देने के लिए दोनों में से किसी में भी आप डबल टैप करोगे कॉल आंसर हो जाएगा। कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है उसको आप आंसर नहीं देना चाहते हो, काट करना चाहते हो, 2 सेकंड तक होल्ड करके रखिए चाहे वो किसी में भी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ऑटोमेटिकली कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इसका फीचर्स मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन जब आप कान में लेकर इस ईयरबड्स को यूज करोगे पीछे की तरफ एक लाइट दिया गया है जो ब्लिंक करता रहता है कुछ कुछ टाइम के बाद। बाकी इस ईयरबड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अगर आप लोगों को खरीदना है डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग खरीद सकते हो। इस ईयरबड्स का बहुत सारे कलर आता है, स्टेप बाय स्टेप सारे कलर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, आपको जो कलर पसंद है वो कलर आप लोग खरीद सकते हो। 14 ms लो लेटेंसी मिलता है। देखिए, अगर आप लोग राइट साइड के ईयरबड्स को टैप करके रखोगे गेमिंग मोड इनेबल हो जाएगा और भी लो लेटेंसी आप लोगों को मिलेगा। लेटेंसी इसका काफी अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा लेटेंसी नहीं है, लेट लेट करके काम नहीं करता है, ठीक ठाक काम करता है। 1000 rupees के नीचे मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो 1000 rupees के नीचे कोई भी ईयरबड्स, इसके पास एक बार जरूर चेक करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।